भाइयों, हर बार की तरह इस बार भी बिग बॉस में कोई मिर्च मसाला नहीं था। तभी एंट्री होती है वाइल्ड कार्ड्स की, दिग्विजय और कशिश की। हाँ, ये वही दिग्विजय है जो स्पिट्सविला कशिश के कारण आ रहा था, और हाँ ये वही कशिश है जिसने स्पिट्सविला दिग्विजय को करवाया था चंद पैसों के लिए। इतना भी सच नहीं बोलना था यार। मेरे पास इस सीजन के वाइल्ड कार्ड धमाके है, आप एक दूसरे को जानते हैं? आई एम द मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर बनी तो सही, पर दिग्विजय की किस्मत को पैसों में तोल गए। जहाँ दिग्विजय को चाहिए था फेम, वाइस को चाहिए था पैसा, और इसी कारण ये बनी मेन कैरेक्टर, मतलब कि विलन दिग्विजय की लाइफ की। किसके आऊं? आपने क्या सिलेक्ट किया, मनी या फिनाले? मनी। इसकी माँ का। मेरे पास इस सीजन के वाइल्ड कार्ड धमाके हैं, आप एक दूसरे को जानते हैं? इस भूतनी पिशाचनी को कौन नहीं जानता। ये वही है जिसकी वजह से मेरा स्पिट्सविला जीतने का सपना टूट गया। चंद पैसों के लिए इसने मेरे सपने को तोड़ दिया। ये वही लालची बंदरिया। ओ, तुझे 10 लाख रुपए दिलवाए थे स्पिट्सविला में, समझा? और खुद भी लिए। और तुझे पता भी है वो 10 लाख रुपए लोअर मिडिल क्लास के लिए कितने जरूरी है? तुझे पता भी है मैंने उन पैसों से क्या क्या किया? लिपस्टिक लाई, ड्रेस लाई, अपने घर का 10 महीने का रेंट भी भरा। तुझे पता भी नहीं होगा मैं कितनी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी क्लीवेज देख रहा है। मुझे ऑनेस्टली कोई पसंद नहीं आ रहा इस सीजन में। घर वालों को बस इतना बोलना चाहूंगी कि मैं किसी की बकवास नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं आई हूँ ना बकवास करने के लिए। मैं बकवास करूंगी और तुम सुनोगे। स्पिट्सविला में मैं माँ बहन करती थी, और यहाँ पे तू तड़ाक करूंगी क्योंकि बिग बॉस गाली नहीं देने देता, वरना मैं तुम्हारी माँ चू। तो देख कर आए होगे ना? अरे कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं। किरदार पे बोल रही हूँ, मैंने आपको नहीं बोला, उनसे बात हो रही है। डांस स्पीकिंग ऑन बिहाफ आई डोंट हैव टू मैम। कर सकती है। वैसे तो देखा इस घर में बहुत लोगों की असिस्टेंट है, हम भी एक दूसरे के लिए वाइस वर्सा कर सकते हैं डेली बेसिस। इट इज पीठ पीछे मैं खंजर तो नहीं घोपती हूँ, जो है मुंह पे बस पीठ पीछे बिचिंग करती हूँ, खंजर नहीं घोपती। मैम आपने तो 2.5 एपिसोड्स देखे हैं, पता लग गई ना। You are very insecure. ये जो आप ये अपना persona दिखा रहे हो ना, it screams insecurity. Insecurity की बू आती है। इनसिक्योरिटी की बू? बू तो कुत्तों को आती है। वैसे बू तो आपको भी आई थी पैसों की स्पिट्सविला में, फिर तो आप कुतिया हुई। इनसिक्योरिटी की बू आती है। बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम है, अच्छी बात है अगर उसको इनसिक्योर बोल रही हो। कभी नहीं बोला किसी ने आपको ये क्या कर रहे हो? बाहर आओ, मुझे जहाँ जब बाहर आना होगा मैं आ जाऊंगी, मेरी मर्जी। शीशे में देख के बात कर रही है क्या? नहीं, शीशे में देखोगे तो खूबसूरती छल के। खूबसूरत? खूबसूरत नहीं मैडम, डायन नजर आएगी, डायन। ओ, अपने आप को खूबसूरत बोलने से पहले एक बार तो सोचा होता कशिश तूने, कि तू अपने आप को खूबसूरत बोल रही है। स्पिट्सविला से जो पैसे मिले थे ना, उससे तो इसने ड्रेसिंग और मेकअप करना सिखाया। हमारी किस्मत की डोर मेरे ही हाथ थी लास्ट, और आज यहाँ हो तो भी मेरे ही कारण हो, भूलना मत। उस लड़की के लालच के कारण मेरा बचपन का सपना टूट गया, मेरी माँ रो दी। इनका हो गया तो मेरा डेफिनेटली। अरे भैया, ये इतना इतराती क्यों है? ऐसे क्यों करती है ये? इतना तो श्रद्धा कपूर जब नहीं इतराती जब वो अमेरिकन एक्सेंट बोलती है। So my father is really he's such a versatile actor. यार पता नहीं इसको किस बात का घमंड है, शायद उन 10 लाख रुपए का जो स्पिट्सविला में मिले थे। बहनी की लोग अपने दम पे जियो, शायद प्यार मिल जाएगा, वरना यही जोन बना रहेगा। तू जा के मर। यार इनका तो यहाँ भी रंडी रोना खत्म नहीं हो रहा, जो ये स्पिट्सविला में हग रहे थे ना, वो यहाँ आके हग रहे हैं। पता नहीं ये बिग बॉस के घर में क्या ही करेंगे यार, यहाँ भी हग के ही जाएंगे। बेचारा दिग्विजय, इसकी वजह से पिछली बार तो नैया डुबा ली थी, अब लग रहा है फिर डुबाएगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।